अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय अपने रिश्ते को लेकर कई महीनों से लाइमलाइट में हैं। दोनों के तलाक की अफवाह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कई साल साथ रहने के बाद अब वे तलाक लेने वाले हैं। हालांकि कपल की तरफ से इस खबर पर कोई बयान सामने नहीं आया था, पर अभिषेक ने अपनी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक की प्रमोशन के दौरान अफवाहों के कारण झेली तकलीफ पर खुलकर बात की है। आइए बताते हैं वो क्या बोलते हैं। ई टाइम्स के साथ बातचीत में अभिषेक बच्चन ने बताया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, इंसान को अपनी आशा की किरण की तलाश करते रहना चाहिए। मैं पर्सनल लाइफ में नेगेटिविटी से निपटने की कोशिश कर रहा हूं। बातचीत में उन्होंने कहा, कहीं न कहीं एक व्यक्ति के रूप में जो आप हैं उसे कभी नहीं बदलना चाहिए। आपके बुनियादी सिद्धांत कभी नहीं बदलने चाहिए। एक्टर का मानना है कि जब बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो अच्छा अपनी अच्छाई क्यों छोड़े। मैं जो हूँ उसे बदल नहीं सकता। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ जो नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं दे सकता। जब आप नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये आप पर हावी हो जाती है। आगे बातचीत में एक्टर ने सच्चे रहने के महत्व पर फोकस करते हुए कहा, जब आपको मुश्किल दिनों में आशा की किरण या सूरज दिखे तो उसे पकड़ कर रखें, क्योंकि वही आपको जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। आज के समय में लोगों के लिए अंधकार और नकारात्मकता में खो जाना बेहद आसान है। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आ जाएं, अपनी आशा की किरण को खोजें। फिलहाल आप तलाक की अफवाहों के बीच अभिषेक बच्चन के इस बयान पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में अपनी राय लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।